अब बढ़ते आगे उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं, जहां पर फ्री बिजली का दाव अरविंद केजरीवाल ने चल दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे, यहां भी केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल पेश कर दिया। केजरीवाल ने कहा अगर उनकी सरकार यहां बनी तो दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी आम लोगों को फ्री बिजली मिलेगी। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि सरकार बनने के 5 साल के बाद चुनाव के टाइम हमारे को याद आएगा हमारा वादा। सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी, किसानों की बिजली मुफ्त की जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि आज की इस घोषणा के बाद उत्तराखंड के हर व्यक्ति को खुशी होगी, हर परिवार को खुशी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उत्तराखंड की महिलाओं को होगी। जैसा मैंने कहा कि एक महिला को सबसे ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है अगर महंगाई होती है, उत्तराखंड के नेताओं ने और उत्तराखंड के पार्टियों ने उत्तराखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उत्तराखंड के अंदर 2 पार्टियां हैं, तो जैसे चक्की होती है, चक्की के 2 पार्ट होते हैं, उन चक्की के 2 पार्टों के अंदर दाने पिसते हैं, ऐसे इन 2 पार्टियों के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता पिस रही है पिछले 20 साल से। अभी हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पास सीएम ही नहीं है, एक बनता है फिर सत्ताधारी पार्टी को लगता है नहीं ये भी निकम्मा, फिर दूसरे को बनाते हैं फिर कहते हैं नहीं ये भी निकम्मा। मेरे ख्याल से 70 साल के भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई अपनी पार्टी खुद ही कहती है कि हमारा सीएम बेकार है। वैसे तो अपोजिशन वाले कहते हैं भाई ये पार्टी खराब है, ये सीएम खराब है, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा सीएम खराब है, इसको बदल रहे हैं। अब फिर दूसरे को भी कहते हैं ये भी खराब है, इसको भी बदल रहे हैं।